न्यूज फर्स्ट राजस्थान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। विधायक दानिश अब्रार के जन्मदिन के अवसर पर सवाई माधोपुर के वार्ड नंबर 1 में कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नगर परिषद चेयरमैन और कई वार्ड पार्षद मौजूद हैं। और इस खुशी में अन्य के जन्मदिन के खुशी के अवसर पर हम आप सीमेंट फैक्ट्री वासियों को बहुत सारे कार्यक्रम सुबह से हम लोग करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको ये कंबल दे रहे हैं। एक एक करके शांति से अपना आए आराम से आ जाओ, सबको मिलेंगे, चिंता मत करो। जो बुजुर्ग है ना सबको मिलेंगे। आजा इधर आजा। इनको निकल जान दो। बाबा बुजुर्गों की दुआ। चलो आगे आओ। बेड़दाना खरीद के हाँ फिर ले जाओ। लम्बा भाई साहब, मेरे भाई साहब, इधर आ जाओ। सागे उठे तो तसे करता फोटो भी देखेगा, फोटो आई नहीं देख क्यों लगा ऐसे देख, ये सबकी फोटो आई देखा। आज हमारे सर्वमान्य विधायक दानिश अब्रार जी, मुख्यमंत्री सरकार जी का 5 जनवरी को जन्मदिन आता है। हर साल हम बड़े उससे धूमधाम से मनाए। गरीब आदमियों को कंबल वितरण, गरीबों को हमने आज बहुत सारे कार्यक्रम किए शहर में, ऐसे कंबल वितरण के यहाँ चला शहर में। गरीब बस्तियों में जाके हमने चप्पलें बांटी, अनाथालय पर हमने आटा चावल पोहे वगैरह कट्टे वगैरह दिए और गायों को हरा चारा डाला। इस प्रकार सभी कार्यक्रम हमने किए। हमारे माननीय विधायक महोदय के लंबी उम्र हो और वह दिनों दिन उन्नति करते रहे और माधुपुर के चौमुखी विकास हो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। विधायक महोदय को सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। विधायक महोदय के जन्मदिन का प्रतिवर्ष की बात है, हर 5 जनवरी को बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं। आज सभापति विमल महावर जी के साथ पार्षद गणों ने सबसे सुबह प्रातःकाल गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा डाला। उसके पश्चात गरीब उत्थान संस्थान बम्बोरी में स्थित, वहां पर हमने आटा चावल गेहूं और बच्चों को चॉकलेट और हमने चॉकलेट बिस्किट वगैरह का नाश्ता वितरण किया। उसके बाद बच्चों ने पार्षद गणों को व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। उसके पश्चात हम गरीब बस्तियों में जैसे खेरदा में स्थित मदारी कॉलोनी में जाकर जहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को चप्पल का वितरण किया। तत्पश्चात हम सीमेंट फैक्ट्री में आए और यहाँ गरीबों को कंबल वितरण
नोमान राज डायरेक्टर है, जो कि उनके तत्वाधान में सभी पार्षदगण व सभापति महोदय द्वारा किया गया तथा इन्हें भोजन भी वितरण निःशुल्क किया जाएगा। मैं विधायक महोदय की लंबी उम्र की कामना करता हूं तथा सवाई माधोपुर को इसी प्रकार विकास के नए आयाम विधायक महोदय द्वारा छूते रहे, इसी में कामना करता हूं। जन्मदिन है और बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज इस मौके पर मुझे शुभ अवसर मिल रहा है कि मैं इन कॉलोनी वासियों को, सीमेंट फैक्ट्री वासियों के साथ उनका जन्मदिन मना रहा हूं। कंबल वितरण कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि मैंने देखा है कि कई बुज़ुर्ग ऐसे ही शाम को घूमते हैं, बहुत सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत है, तो ये मेरी सोच थी। और ये कार्यक्रम माननीय विधायक साहब के जन्मदिन पर बड़े धूमधाम से आज सुबह से ही बहुत सारे कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। इस कड़ी में ये भी कार्यक्रम है और बड़ा खुशी है कि मुझे इस अवसर मिल रहा है कि मैं उनका जन्मदिन मना रहा हूँ। लगभग कितने कंबल आपने यहाँ वितरित किए हैं? सीमेंट फैक्ट्री में 251 लगभग कंबल बांटे जा चुके हैं और 100 कच्ची बस्ती में बांटे हैं। 1 तारीख को भी इसी उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, इसमें भी हमने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहाँ बुजुर्गों को, जवानों को और जो छोटे बच्चे थे उनको भी हमने कार्यक्रम के तहत उन्हीं कपड़े बांटे थे और ऐसी कड़ी लगातार जारी रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई है कि आप वैसे तो एक डायरेक्टर हैं एक पंचायत समिति के, 2-3 पंचायत समितियां आपके अंडर में आती है, उसके बाद भी आप विधायक दानिश अब्रार के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो कुछ भी हूँ, राजनीतिक के वो मेरे गुरु हैं, जन जन के लाडले हैं और मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगा कि लोग कितना भी कह लें लेकिन मेरे अंदर से फीलिंग आती है, मैं उनको दिल से प्यार करता हूँ। मैं आज जो राजनीतिक में हूँ उनकी बदौलत हूँ, वो मेरे गुरु हैं और गुरु को हमेशा सम्मान देना चाहिए। मैं किसी भी ओहदे पर पहुँच जाऊँ, मैं कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं भूल सकता। और रही बात जिंदाबाद की, तो मैं अभी फिर एक बार लगाऊंगा दानिश अब्रार, दानिश अब्रार, तो ये कड़ी चलती रहेगी। मैं उनसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और ऐसे ही कार्यक्रम मैं हमेशा आयोजित करता रहूँगा, जहाँ तक मेरी क्षमता है मैं ऐसे कार्यक्रम उनके लिए करता रहूँगा और उनकी जिंदाबाद और उनके नारे हमेशा लगाता रहूँगा। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई मैं कोई डायरेक्टर बन गया हूँ तो मैं उनका कार्यकर्ता नहीं हूँ। डायरेक्टर बनने से पहले मैं उनका एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता का ये दायित्व बनता है कि वो अपने लीडर को, अपने गुरु को हमेशा सराखों पर रखे, वही काम मैं करता हूँ, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल और आने वाले दिनों में आपको कौन कौन से कार्यक्रम करने वाले? हम सारे कॉलोनी वासियों को पता है कि इस रसोई को चलाने में माननीय विधायक साहब का बहुत बड़ा योगदान है और मैं इन सभी से अपील करता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छा भोजन इनको उपलब्ध कराऊं। महीने में 15 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में हम लोग स्पेशल डाइट भी यहाँ रखते हैं। कई बाहर के लोग लाभार्थी भी यहाँ खाना खाने आते हैं। आप सभी से अपील है कि ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आप आके हमारा भोजन चखें और इसको कोई मैं वाली बात नहीं है, ये सभी जनता का काम है। माननीय दानिश अब्रार साहब की पहल है और विशेष फैक्ट्री पर उनकी ये निगाहें हैं कि आप लोग को पर उनका विशेष स्नेह है और वो ये चाहते हैं कि कोई भी ज़रूरतमंद को, जो ज़रूरत है जिसको, उसको सारी चीज़ों का फ़ायदा मिले और भी सरकारी चीज़ों का फ़ायदा मिले। कुछ दिन पहले अभी हमने यहाँ पर ये जो एनुलम चल रहा है नगर पालिका का, उसके तहत कईयों के हमने अभी लोन के फॉर्म भी भराए हैं और यहाँ ऐसे कार्यक्रम दिनों दिन आयोजित होते रहते हैं। मेन मकसद रसोई चलाना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है, जागरूक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। लोगों के रोजगार से जोड़ने के लिए उन्होंने मुझसे कह रखा है कि विशेष तौर पर ध्यान रखो, कोई भी ज़रूरतमंद है वो आके हमसे मिल सकता है, उसके रोजगार की व्यवस्था, उसके लोन की व्यवस्था। SSG ग्रुप भी हम लोग कई बना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में 3 SSG ग्रुप आज हमने लॉन्च किए हैं माननीय विधायक साहब के। इसमें 3 हम ग्रुप बना चुके हैं, आदर स्वयं सहायता समूह, हम सफ़र स्वयं सहायता समूह और मुस्कान स्वयं सहायता समूह। ये 3
ये स्वयं सहायता समूह हम लोग चला रहे हैं। जो महिलाएं और ग्रुप में जुड़ना चाहती हैं उसको हम 10-10 का एक ग्रुप बना रहे हैं, उन्हें टाई अप करेंगे बैंकों से, और अगर अब जो भी जुड़ना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।